दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में खत्म नहीं हुआ सियासी संकट, कांग्रेस के और विधायक कर सकते हैं बगावत। दरअसल हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद शुरू हुआ सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस ने 3 पर्यवेक्षकों को भेजकर भले ही सरकार बचाने और सब कुछ ठीक होने का दावा किया हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक विवाद अब भी बना हुआ है और कांग्रेस के कई अन्य विधायक आने वाले दिनों में बड़ी बगावत कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मीडिया और बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले डबल इंजन सरकार जंगल राज की गारंटी है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और मोदी मीडिया मिलकर कैसे झूठ का कारोबार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राहुल गांधी ने कहा कि कहीं पेड़ से लटके नाबालिग बहनों के सवा तो कहीं ईंटों से कुचलकर हत्या की वारदात, कहीं भाजपाइयों द्वारा IIT BHU कैंपस में गैंगरेप का दुस्साहस तो कहीं न्याय न मिलने पर आत्महत्या को मजबूर महला जाजा। ये उस प्रदेश का हाल है जिसकी कानून व्यवस्था का गुणगान करते मोदी मीडिया नहीं थकती। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी मीडिया द्वारा गढ़ी गई छवि से बाहर निकलकर अब सच्चाई देखने का वक्त है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार जंगल राज की गारंटी है। अगली बड़ी खबर, महादेव ऐप फ्रॉड मामले में ईडी ने 580 करोड़ रुपए किए सीज, दिल्ली मुंबई समेत कई शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी। दरअसल ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए 580 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए। इसके अलावा छापेमारी के दौरान 1.86 करोड़ रुपए कैश और 1.78 करोड़ की कीमती चीजें जब्त की हैं। ये छापेमारी एजेंसी ने दिल्ली मुंबई कोलकाता रायपुर इंदौर और गुरुग्राम में की है। इस मामले में ईडी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के कई नेता और अधिकारी जांच के घेरे में हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस और JMM पर जमकर बरसे PM मोदी, बोले JMM का मतलब है जमकर खाओ। दरअसल PM नरेंद्र मोदी ने झारखंड के धनबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले लोग जांच से भाग रहे हैं क्योंकि ये लोग अपने कारनामों को जानते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में JMM और कांग्रेस की परिवारवादी और तुष्टिकरण वाली सरकार है, परिवारवादी अपने ही परिवार के बारे में सोचते हैं। PM मोदी ने कहा कि JMM का मतलब हो गया है जमकर खाओ। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हेमंत विश्व शर्मा ने बोला जबरदस्त हमला, बोले इससे बीजेपी को मिला फायदा। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने एक बार फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी की यात्रा की टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की टाइमिंग ऐसे समय पर चुनी जब अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा था और पूरा देश राम भक्ति में सराबोर था। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इस यात्रा को ऐसे टाइम पर निकाला जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बूस्ट मिला है। अगली बड़ी खबर, बलात्कारी राम रहीम को बार बार पैरोल देने पर हाईकोर्ट हो गया नाराज, सरकार को जारी कर दिया नोटिस। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को बिना पूर्व अनुमति के पैरोल नहीं दी जा सकती है। डेरा सच्चा सौदे के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि वो उसकी इजाजत के बिना राम रहीम की पैरोल पर विचार न करे। अगली बड़ी खबर, हिमाचल कांग्रेस में मची भगदड़, जयराम ठाकुर ने दे दिए बड़े संकेत, कहा कभी भी गिर सकती है सरकार, आप रात को सोएंगे और सुबह सरकार गिरी मिलेगी। दरअसल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संकट अभी टला नहीं है, ऐसे संकेत प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ही देती नजर आ रही हैं। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार कभी भी गिर सकती है, आप रात को सोएंगे और सुबह सरकार गिरी मिलेगी। फिलहाल खबरें हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर की तरफ से अयोग्य घोषित किए गए 6 विधायक अब सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कर दिया बड़ा दावा, बोले लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाएगी। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस और खास तौर से गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के काम करने की तुलना भारतीय जनता पार्टी से की और कहा कि वहां पर सारे फैसले एक ही परिवार के डाइनिंग रूम में लिए जाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा ने दावा किया है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी मात्र एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाएगी। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने ट्रांसफर कर दी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त, इस बार 90 लाख नए किसानों के खाते में भी आई है किसान सम्मान निधि। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त लोगों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त भेज दी गई है। पीएम किसान निधि की 16वीं किस्त में सरकार ने 21 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। आपको बता दें कि इस बार 90 लाख नए किसानों को भी इस स्कीम के साथ जोड़ा गया है।
और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी ने किया महामंथन। अब कभी भी जारी हो सकती है 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक बुलाई। गुरुवार देर रात तक चली इस बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की। रिपोर्ट्स का कहना है कि बीजेपी ने बैठक के बाद 125 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। पहली लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का भी नाम हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी बैठक के बाद लगभग 125 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कभी भी कर सकती है। अगली बड़ी खबर, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब फ्री राशन के साथ साथ कार्ड धारकों को मिलेगा 10 किलो का झोला। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को अब निशुल्क राशन लेने के लिए कैरी बैग यानी झोला दिया जाएगा। इस बैग की क्षमता 10 किलो की होगी। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले कार्ड धारकों को बैग प्रदान किए जाएंगे। बैग को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम यानी FCI को सौंपी गई है। इसी महीने से बैग का वितरण भी शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, हाई कोर्ट का बुलडोजर पर रोक से साफ इनकार, कहा ऐसे तो कोई भी इंडिया गेट पर बना लेगा अपना घर। दरअसल दिल्ली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन रोक से इनकार करते हुए हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण की स्थिति दिल्ली में ऐसी है कि कोई इंडिया गेट को भी खरीद कर वहां अपना घर बना लेगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत PS अरोड़ा ने स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से द्वारका समेत कई इलाकों में चल रहे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, किसानों ने लिया बड़ा फैसला, 3 मार्च को ट्रैक्टर से KGP एक्सप्रेसवे जाम करेंगे किसान। दरअसल जेवर एयरपोर्ट की ओर जाने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से मोहना में इंटरचेंज की मांग कर रहे किसान 3 मार्च को ट्रैक्टर के माध्यम से KGP एक्सप्रेसवे जाम करेंगे। ये घोषणा किसानों ने गुरुवार को की है। इससे पहले 19 फरवरी को भी किसानों ने KGP एक्सप्रेसवे को जाम किया था और उस मामले में करीब 200 से लेकर 225 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बड़ी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा, कहा माफिया मॉडल मंजूर नहीं। दरअसल बिहार विधानसभा के आखिरी दिन सदन की कार्यवाही से पहले माले के विधायकों ने तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लिखा था कि बिहार में योगी राज का माफिया मॉडल का विस्तार मंजूर नहीं है। तो वहीं विधान परिषद में नेता विरोधी राबड़ी देवी की अध्यक्षता में सदन के बाहर RJD के नेताओं ने जमकर विरोध जताया। भ्रष्टाचार, लूट और कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। अगली बड़ी खबर, अब राशन की दुकानों पर 2 मार्च से बनेगा आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। दरअसल बिहार में सभी राशन दुकानों पर आगामी 2 मार्च से आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। राज्य के राशन कार्ड धारकों का मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस योजना के लिए आवेदन की तारीख 2 से 12 मार्च के बीच है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने झारखंड में निकाला जबरदस्त रोड शो, राज्य की सभी 14 सीटें जीतने का रखा लक्ष्य। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी धनबाद पहुंचे हैं। मंच पर पहुंचने से पहले उन्होंने जबरदस्त रोड शो किया। उन्होंने खुली जीप में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी के रोड शो में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में BJP कार्यकर्ता और आमजन पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए धनबाद पहुंचे। BJP का इस झारखंड की सभी 14 सीटों को जीतने का लक्ष्य है। अगली बड़ी खबर, चंपई कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले, सरकारी कर्मचारियों को 5 लाख का बीमा, यूनिफॉर्म की बढ़ाई राशि। दरअसल झारखंड सरकार के पदाधिकारियों और कर्मियों का 5 लाख तक का बीमा होगा। सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के अनुसार सरकार राशि देगी। वहीं जो अस्पताल सूचीबद्ध नहीं है वहां इलाज के लिए CGSH की दर पर राशि दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि पहले एम्स की दर पर राशि दी जाती थी जो कम थी, इसीलिए अब CGSH की दर पर राशि दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में MBA का सीट बंटवारा फाइनल, 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की भी सीटें फाइनल। दरअसल महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सदस्य आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर सहमत हो गए हैं। 48 घंटे में इसकी औपचारिक घोषणा भी होने की संभावना है। NDTV ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला शिवसेना गुट महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।
अगली बड़ी खबर, राजस्थान में एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ महंगा, आज से लागू हो गई नई कीमतें। दरअसल राजस्थान में लोगों को महंगाई का झटका लगा है, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 23.50 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद राजस्थान के विभिन्न शहरों में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि फिलहाल घरेलू एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में चाइल्ड केयर लीव पर लगी रोक, शिक्षक संगठनों ने खोल दिया मोर्चा। दरअसल राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल शिक्षक संगठन महिला शिक्षिकाओं और अन्य कर्मियों के चाइल्ड केयर लीव पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाने से नाराज हैं। परीक्षाओं का सीजन होने के कारण सरकारी स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं और अन्य कर्मियों के चाइल्ड केयर लीव पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। हालांकि शिक्षा निदेशालय की ओर से ऐसा कोई भी आदेश नहीं हुआ है। बड़ी खबर, संजय राउत ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले जब से वो शपथ लेते हैं तभी से उनका चुनावी अभियान शुरू हो जाता है। दरअसल उद्धव ठाकरे के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव अभियान की शुरुआत आज से नहीं की, बल्कि जब से वे शपथ लेते हैं तभी से उनका चुनाव अभियान शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि फिलहाल महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए गठबंधन के सदस्य आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर सहमत हो गए हैं और इसकी जल्द ही अब घोषणा कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों की हटा दी गई स्टेट सुरक्षा। दरअसल हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों को मिली स्टेट सुरक्षा हटा दी गई है। उनकी सुरक्षा को मिले हिमाचल पुलिस के जवान हटाए गए हैं। कुल 9 विधायकों की सुरक्षा हटाई गई है। कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता पहले ही रद्द की जा चुकी है। इनकी सदस्यता इसलिए रद्द की गई क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जाकर बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव को लगा बड़ा झटका, आरजेडी विधायक भरत बिंद ने बदला पाला। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी को लगातार उनके कई विधायक झटके दे रहे हैं। शुक्रवार को भभुआ से विधायक भरत बिंद ने अपना पाला बदल लिया और सत्ता पक्ष में जाकर बैठ गए। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भरत बिंद सम्राट चौधरी के साथ में बिहार विधानसभा पहुंचे, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल मुरैना के रास्ते मध्य प्रदेश में करेगी एंट्री। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को मुरैना से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने मुरैना में डेरा जमा दिया है। यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर 23 कमेटियां बनाई गई हैं, जिनका कांग्रेस नेताओं को प्रभार दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर से मध्य प्रदेश में मुरैना में प्रवेश करेगी। ये यात्रा मध्य प्रदेश में 5 दिन रहेगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू, पार्टी लोगों की राय के आधार पर तैयार करेगी विजन डॉक्यूमेंट 2024। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार प्रसार की शुरुआत कर दी है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी देश भर में संकल्प पत्र 2024 बॉक्स घुमाएगी। इस बॉक्स में देश के मतदाता अपने अपने सुझाव मांग या फिर सरकार से अपनी इच्छाओं को साझा कर सकते हैं। बीजेपी लोगों की राय के हिसाब से इस बार विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। आपको बता दें कि फिलहाल यह अभियान दिल्ली से शुरू हो चुका है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।